हेलो, आई एम मधु और मैं एक डिवाइन मास्कुलाइन ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन मैं जेफेंशिलिया के स्टूडेंट हूँ और जस्ट अपना यूनियन कॉन्शसनेस के विजडम शेयर करने सबके साथ निकला हूँ। एक टॉपिक है जो मेरे दिल से काफ़ी करीब है, आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे मैं बीच में नया वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं एक सर्टिफिकेशन के थ्रू जा रहा था कि मेरा लाइफ पर्पस जो है वो है, दिल से मुझे हमेशा से पेन होता है कि अगर कोई इंसान सुइसाइड करता है, राइट, कि क्या होते हैं रीज़न, किसकी वजह से लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं कि उनके पास कोई और रास्ता है ही नहीं, बस उनको सुइसाइड करना है, बस ज़िंदगी ख़त्म करनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देखे हैं मेरे लाइफ में, मेरे साथ भी ये काफ़ी डीप था। तो कहीं ना कहीं दिल में जब हम उस सिचुएशन से बाहर निकल के आते हैं तो नेचुरली हो जाता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं खुद को निकाल के लाया हूँ तो मैं दूसरों को भी निकाल सकता हूँ। वैसे जो ये सिचुएशन होता है, ये स्टार्ट होता है एंजाइटी, फिर धीरे धीरे वरीज, डिप्रेशन या फ्लैशबैक्स, फिर ट्रॉमा, फिर ऐसा लगता है कि उधर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। वो एक्चुअली एक जगह बन जाता है दिमाग के अंदर और ऐसा लगता है कि उसके सिवा कोई और चॉइस नहीं है, बट वो सच नहीं है। दैट इज़ ऑलवेज ए वे। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ कि अगर उस दिन कुछ हो गया होता तो आज मैं इधर बैठ के अपने ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन पे नहीं काम कर रहा होता और ना ही आप लोगों से बात कर रहा होता। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होते हो, बात करते हो, आपकी लाइफ शेयर करते हो और मेरा कुछ भी चीज़ अगर आपको हेल्प होता है तो मुझे वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और डीप में तो मैं वहीं जाना चाहता हूँ कि मैं जितना दिन हो सकेगा मैं ट्विन फ्लेम असेंशन में लोगों का मदद करूँगा डिफरेंशिलिया के टीचिंग के थ्रू। और लेकिन मेरा दिल से जो है वो है कि किस तरह से मैं ये ट्रॉमा और उससे रिलेटेड जो बीमारी होती है, सुसाइड केस होते हैं, उसको किस तरह से पूरा निकाल सकूँ, तो फिर मैं उसी में थोड़ा एंगेज था। तो मुझे ये टॉपिक मैंने क्यों लिया कि मैंने एक कमेंट पढ़ा मेरे चैनल पे, जो उन्होंने लिखा है कि मेरे ट्विन फ्लेम मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं और मैं सुसाइड कर लूँगा। तो ये मजाक नहीं है, ओके, सुसाइड कर लूँगा कोई ऐसा, ये ऐसा एक चॉइस है जिसको आप लाइफ आफ्टर लाइफ, ये एक ऐसा कर्मा है जिसको आप लाइफ आफ्टर लाइफ निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि इस कर्मा को बोलते हैं सोल बार्गेन। और मैं डीप में ले जाना चाहता हूँ कि ये क्यों आता है। बहुत नेचुरल है, हर कोई जब ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के थ्रू जाते हैं तो उसके बाद डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस होता है, हर किसी को होता है और वो बहुत पेनफुल होता है, हर कोई रोते हैं, समझ में भी नहीं आता है कि क्यों रो रहे हैं। सिर्फ इतना होता है उस टाइम पे कि मतलब जो आपका हार्ट चक्रा है वो ओपन होता है और वो पूरा ओपन नहीं हो पाता है क्योंकि उसके ऊपर ब्लॉक्स होते हैं, ओके, तो उसके चारों तरफ ब्लॉक्स होते हैं जिसकी वजह से वो चक्रा कम्प्लीटली ओपन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हम सेपरेशन में चले जाते हैं क्योंकि जैसे लव आप अवेकन होते हो आपके ट्विन फ्लेम के साथ, तो अगर वहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं होता तो आप नेचुरली आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता और आप इमीडिएटली हारमोनियस यूनियन में आ जाते। लेकिन उसके चारों तरफ जो ब्लॉक्स हैं, जो फियर्स हैं, वो होने की वजह से तो वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो भी हमने बचपन से या पिछले लाइफ टाइम में से या अपने लीनिएज में से, लीनिएज मतलब आपके मम्मा, आई, यू नो, उनके ग्रैंड मदर, पापा, ग्रैंडफादर, ये सब, इन सब से जो आपको जीन में ट्रांसफ़र होता है, तो वो सारे चीज़ आपके अंदर रहता है, तो वो सब निकलता है। क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें नहीं निकलता
तब तक आप आपके ऑथेंटिक सेल्फ को नहीं जान पाओगे, करेक्ट। और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का प्रोसेस वही होता है कि आपका यूनियन होता है आप और आपके ट्रू सेल्फ के अंदर, आपके ट्रू डिवाइन सेल्फ के अंदर। ओके, तो ये एक प्रोसेस है और इस जेनरेशन में ये कॉन्शसनेस हायर वाइब्रेशन पे जाना चाहता है और ये कॉन्शसनेस का चॉइस है कि उनको अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करना है। तो अनकंडीशनल लव तक पहुंचने के लिए जो भी कचरा है बीच में, रिजेक्शन का और अबांडनमेंट का, सेपरेशन, पेन का, सफरिंग का, पॉवर्टी का, तो वो सब निकलना पड़ेगा ना। कौन निकालेगा? आप ही निकालोगे। आप अवेकन हुए हो और ये आपका चॉइस था, आपको अवेकन होना है आपके ट्विन फ्लेम के साथ। तो ये कहीं ना कहीं आप जन्म लेने से पहले ही डिसाइड करके आए हैं। तो अगर ये आपने डिसाइड किया है तो आप इससे आराम से निकल जाएंगे। ओके, तो सुसाइड करना या सुसाइड करने के बारे में सोचना उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअली मर रहा है वो ईगो है। जो आपको पेन फील हो रहा है, इट्स बिकॉज क्योंकि ईगो मर रहा है। ओके, और आपका ईगो नहीं हो। ओके, क्योंकि आप अगर सोल लेवल पे खुद को देखोगे तो आप इटर्नल हो, आप सिर्फ बॉडी चेंज कर रहे हो। और आप जब अवेकन हो रहे हो तो आपका ईगो सरेंडर कर रहे हो, कम्प्लीटली सारा जो ईगो है वो सरेंडर कर रहे हो। तो ईगो एक्चुअली काफ़ी, जब हम अवेकन नहीं होते हैं, वो ईगो काफ़ी पावरफुल होता है और लाइफ को कैसे जीना है, कैसे कुछ भी करना है, तो वो कंट्रोल में रहता है ईगो। और जैसे लव टच करता है, ट्रू लव टच करता है ट्विन फ्लेम के थ्रू, तो फिर लव के आगे ईगो का कोई स्पेस ही नहीं रहता है। तो इसकी वजह से ईगो एकदम से ब्रेक होना स्टार्ट होता है और पेन फील होता है। तो उसकी वजह से आपको सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फेज है। ओके, जैसे जैसे आप रिलीज़ करोगे, आप लाइट फील करोगे, आप असेंड करना स्टार्ट करोगे और आपका जो भी सोल का डिज़ायर है, जो भी आपका सोल मैनिफेस्ट करना चाहता है, क्योंकि ये आपके 3D के मैनिफेस्टेशन से काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि सोल के जो डिज़ायर्स होते हैं, सोल के डिज़ायर्स बहुत ही प्योर एंड डिवाइन होते हैं। सोल का डिज़ायर होता है किस तरह से सर्व करें। ओके, क्योंकि सोल के अंदर वो पावर होती है, कोई तो आपके अंदर एक यूनिक पावर है, सिर्फ आपके अंदर है वो। और जब आप हील होगे तो आपको वो पावर पता चलेगा और फिर आप उस पावर के थ्रू इस संसार में जो लोग हैं उनको सर्व करोगे। ओके, तो वो आपका पर्पस है और वो आपका एक्चुअली ट्रू डिज़ायर है। जब वो डिज़ायर फुलफ़िल करोगे आप, आपको वो कंप्लीट फुलफिलमेंट फील होता है, चाहे वो गिफ्ट आप एक ही इंसान को क्यों ना दो। ओके, तो ये इवन सोचना कि नहीं संभाल पा रहे हो इस पेन को, या ये काफ़ी हेवी हो रहा है आपके ऊपर, इसकी वजह से आप गिव अप कर लोगे, वो एक्चुअली एक कोर ब्लॉक से आता है। ये कोर ब्लॉक होता है अबांडनमेंट का, कि अगर आप खुद के साथ रिलेट करोगे अपने बचपन में, या अगर रिसेंटली भी कुछ हुआ हो, कि ऐसा कुछ अगर आपके साथ हादसा हुआ हो जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको जैसे कहीं तो भी अकेले छोड़ दिया है, कोई है ही नहीं आपको हेल्प करने के लिए, बहुत ही ऐसे हेल्पलेस वाला सिचुएशन हुआ हो आपके साथ, जहाँ पे आपने काफ़ी ऐसे अकेला महसूस किया हो कि कोई भी नहीं है, तो उससे ही वो रूट होना स्टार्ट होता है, वहाँ से वो बिगिन होता है और फिर वो लाइफ में बढ़ते जाता है। और फिर धीरे धीरे आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो खुद से, आप समझ नहीं पाते हो आपके डिज़ायर क्या है, ट्रू डिज़ायर क्या है, और आपको ऐसा लगता है जो चारों तरफ हो रहा है लोगों के साथ, शायद वही मेरा डिज़ायर है। तो आप फिर उसी में ही लॉस हो जाते हो कि देख लिया किसी ने तो भी कोई कार खरीद लिया तो आपको वो कार खरीदना है। नहीं, आप मटेरियल पोजीशन करोगे लेकिन आपका स्पेसिफिक डिज़ायर है उस कार में। दूसरे को कोई चीज़ अच्छी लगती है वो आपके सोल को अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं दूसरों के चॉइसेस के बीच में आप भूल गए हो कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं, खुद के
अंदर से मन में कुछ होंगे सपने, राइट, कि मुझे ऐसा बचपन में हुआ, अगर आपने देखा होगा कि उसका कोई तो शायद एक टॉय मिला होगा किसी फ्रेंड को और आपको नहीं मिला होगा, तो भी ऐसा लगता है कि मतलब मेरा कभी भी डिज़ायर जो है ना, जो मेरे मन से लगता है कि मुझे चाहिए और वो मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा, तो फिर आप क्या करते हो, आपके डिज़ायर को छोड़ देते हो कि नहीं छोड़ो, मतलब ये मेरे लिए नहीं है। तो आपका कोर जो ब्लॉक है वहाँ से शुरू होता है अबैंडनमेंट का, और फिर वो बढ़ते 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 आपके जब ट्विन फ्लेम आते हैं तो उसको वो पूरा एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाई मतलब बड़ा करते हैं, जैसे ना माइक्रोस्कोप लगाने जैसा ऐसा करते हैं ताकि आपको दिखे, क्योंकि आपके अंदर तो वो पहले से ही है लेकिन आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन जब आपके ट्विन फ्लेम आते हैं तो वो बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। अबैंडन मतलब वो ऐसे दिखाएंगे आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा अबैंडनमेंट ब्लॉक है, और जब वो छोड़ के जाते हैं और आप इस एनर्जी में आते हो कि आप सुइसाइड करोगे, मतलब ये बहुत डोमिनेटिंग है आपके अंदर अबैंडनमेंट। सबके लिए इतना डीप नहीं होता है, बहुत लोगों में नेचुरली आ जाता है, बहुत लोगों में मैंने देखा है क्लाइंट्स में कि नहीं ठीक है, मतलब उनका शायद कुछ हुआ होगा तो मुझे नहीं प्यार कर पाए, दैट्स ओके, आई विल लव हिम, यू नो, मैं फिर भी उनको प्यार करूँगा, तो उनमें एक्चुअली वो इस एनर्जी में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनमें अबैंडनमेंट ब्लॉक नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको अंदर से ट्विन फ्लेम की डिज़ायर नहीं है, लेकिन उनके अंदर अबैंडनमेंट ब्लॉक नहीं है, इसकी वजह से उस स्टेट में आना उनके लिए नेचुरल हो जाता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप डीप में आपके अंदर अबैंडनमेंट जो ब्लॉक है उसमें काम करिए, क्योंकि सिर्फ बॉडी छोड़ने से आपका कुछ भी ख़त्म नहीं होता। मैं बार बार मोस्ट ऑफ द वीडियो में बोल रहा हूँ, सिर्फ बॉडी छोड़ने से कुछ भी नहीं होता, ये साइकिल आप नेक्स्ट जन्म में कंटिन्यू करोगे, अगर इस जन्म में बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो अगले जन्म में फिर से सेम सिचुएशन आएगा, आपको उसके साथ जीना, मतलब उसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो कार्मिक साइकिल तो आप ही को ब्रेक करना है, क्योंकि वो कर्मा आपके हैं, आपके लिए कोई आपका ट्विन फ्लेम भी आके वो कर्मा क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम का काम है वो आपको दिखाएंगे कि ये देखो, और आप ये भूल जाते हो कि आप में वो पावर है कि आप उसको हील कर पाओगे, तो उसकी वजह से आपको ऐसे बेचैनी होती है। बट सच्चाई ये है कि जो भी ब्लॉक्स हैं आपके अंदर, तो वो पावर भी है आपके अंदर उसको हील करने के लिए, और वो पावर सिर्फ लव है, सेल्फ लव। सिर्फ आप सेल्फ लव करके, हीलिंग करके आप आपके अंदर के सारे ब्लॉक्स को हील कर सकते हैं। ओके, खुद से नहीं हो पाता है तो सपोर्ट लीजिए, लेकिन आगे बढ़िए, उस ब्लॉक में ज़्यादा दिन मत रहिए, क्योंकि अगर एक ब्लॉक आपको पता चलता है और उसको आप हील नहीं कर पा रहे हो, उसमें ज़्यादा दिन रह रहे हो, तो वो आपको काफ़ी थोड़ा लंबा खींचता है, बहुत हैवी फील होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप सेम डेली उठते हो और सेम अबैंडनमेंट फील करते हो, डेली उठते हो और वो अबैंडनमेंट फील करते हो, तो फिर वो नेचुरली डिप्रेशन क्रिएट करता है। सो डोंट डू दैट। इसके लिए सिर्फ ना एक ही चीज़ चाहिए कि एक ना एक इस तिनके भर का भी भगवान के ऊपर भरोसा है ना, तो उस भरोसा को पकड़ के रखो, क्योंकि आपको भगवान ही बाहर ले जाएंगे, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम जो भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भगवान के करीब जा सको। ओके, तो उनका इंटेंशन सिर्फ यही है कि आप अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करो, और जैसे जैसे आप वो एक्सपीरियंस करोगे वो भी एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, तो दोनों में वो एग्रीमेंट है, करेक्ट, तो आगे बढ़ो, असेंड करो, यू नो, क्योंकि हर एक इंसान जब वो भगवान ने उनको बनाया था, और एंड तो हर किसी का भगवान में ही होगा, राइट, आप चाहे किसी भी कर्मा से गुजरे, आपका एंड जो कंप्लीट लिबरेशन है वो भगवान के साथ ही होगा। तो आपने स्टार्ट कर लिया है वो प्रोसेस आपके ट्विन फ्लेम के साथ, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे जाने से क्या मतलब, सुसाइड करना मतलब आप पीछे जाते हो, क्योंकि सुसाइड किया तो और एक नेगेटिव कर्मा स्टार्ट होता है, मतलब दैट्स लाइक ए ऑटमोस्ट लाइक द क्रूएलेस्ट थिंग ऑफ और द अपोजिट ऑफ सेल्फ लव, मतलब आपने सेल्फ लव का तो कोई उसमें मतलब ही नहीं रखा,
सेल्फ लव मतलब खुद को प्यार करना रहता है, और सुसाइड मतलब आपने खुद को ख़त्म कर दिया। तो उस ब्लॉक को अगले जन्म में निकालना, इवन अगले जन्म में समझ पाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आप इस जन्म में सुसाइड करके बॉडी छोड़े थे। तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन खुद के लिए मत क्रिएट करो, क्योंकि उसको सुलझाना भी आप ही का काम है। ओके, तो हील करो और मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मैं कभी भी अबंडनमेंट एनर्जी होल्ड नहीं करता हूँ, और मेरे वीडियो में वो चार्ज है, आपको महसूस होगा, चाहे आप मेरा लैंग्वेज समझ पाओ या ना समझ पाओ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये भगवान की तरफ से गाइडेंस आ रहा है, तो कनेक्टेड रहो बस। सब लोग पूरा कॉन्शियसनेस जाग रहा है, राइट? अगर आप खुद के तरफ से भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है जो एक्चुअली डीपली अपने अवेकनिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो उनके लव वाइब्रेशन से आपका हीलिंग हो जाएगा। तो उनके लिए ग्रेटफुल रहो कि एटलीस्ट वो लोग कमिटेड होके असेंड कर रहे हैं, क्योंकि जितने ट्विन फ्लेम्स कॉन्शियसली अपने असेंशन पे फोकस कर रहे हैं, वो एक्चुअली पूरे कॉन्शियसनेस को वाइब्रेशनली ऊपर लेके जा रहे हैं। ओके, पूरे कॉन्शियसनेस को उनका वो गिफ्ट है, उनका वो पर्पस है पूरे कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना। तो एक ट्विन फ्लेम भी अगर असेंड होता है, वो काफ़ी बड़ा वाइब्रेशन क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, और अपने हारमोनियस यूनियन की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि हारमोनियस यूनियन में जो अनकंडीशनल लव होता है, वो इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है। अपने चारों तरफ देखो, और वो आप इसलिए देख रहे हो कि जहाँ पे लव नहीं है, वो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर का मैनिफेस्टेशन है, और अगर वो सामने जो दिख रहा है उसको ठीक करना है जो काफ़ी लविंग लगे, तो आप उसको अपने अंदर हील करो, अपने अंदर ही लव के थ्रू वो लव वाइब्रेशन अपने चारों तरफ भेजो। उसके थ्रू जो इस तरह से लोग हैं जो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरों को कंप्लेन करते हैं, वो एक्चुअली पर्जिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपको कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप लव वाइब्रेशन में ऊपर जाओगे तो पर्जिंग तो कहीं से होगा ना, कहीं से तो निकलेगा वो। तो आपके वो जो दूसरे भाई लोग या भाई और बहनें जो है, सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जब वो उस तरह से पर्जिंग करते हैं आपके चारों तरफ, उनको तरफ कंपैशन रखो, क्योंकि आप जब हील हो रहे हो तो वो उस कॉन्शियसनेस से निकल रहा है। तो इट्स ओके, क्योंकि जब आप वाइब्रेट करोगे नेचुरली वो उनके अंदर वाइब्रेशंस जाता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। सो यू आर डूइंग ए ग्रेट थिंग, एंड कीप लविंग यू योर सेल्फ। सिर्फ अपने आप को प्यार करो अभी के लिए। जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में जा रहे हो, तो आपका सारा एनर्जी खुद को प्यार करने में लगाओ। जब आपका लाइफ पर्पस एनर्जी आएगा, तब आप नेचुरली दूसरों को प्यार करोगे, वो नेचुरली आएगा, लेकिन तब तक आप खुद को प्यार करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके सोल के अंदर है कि आप सर्व करोगे। बट जब आप अभी अवेकनिंग थ्रू के जा रहे हो, सेपरेशन जा रहे हो, तो ये फेज में आपके दिल के अंदर वो प्यार, अनकंडीशनल लव होल्ड करना प्रायोरिटी है। ओके, तो जो आपके अंदर डिज़ायर है दूसरे को हेल्प करने का, वो नेचुरली आएगा इस फेज के बाद, वो अपने आप आता है। तो फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को प्यार करो, भरोसा रखो भगवान पे, और कनेक्टेड रहो। थैंक यू।